बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान रुचि में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको माता जी के दर्शन कराएंगे, तो हम आज चलेंगे मंदिर और आज आप सबको हम दर्शन कराएंगे। आप सभी लोग हमारे वीडियो को पूरा वॉच करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और फ्रेंड्स चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए माता जी के दर्शन करते हैं। तो हम लोग चल दिए हैं फ्रेंड्स, हम लोग रास्ते में हैं और जा रहे हैं माँ चंडिका देवी के दर्शन करने, जो कि हमारे घर के बहुत ही पास में है ये मंदिर। तो आज हम सब लोगों ने प्लान बनाया एकदम से कि आज चलो माता जी के दर्शन करने चलते हैं। तो हम लोग माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं, हम आपको माता जी के दर्शन कराएंगे, साईं बाबा के दर्शन कराएंगे, भोले बाबा के दर्शन कराएंगे, हनुमान जी के दर्शन कराएंगे और सभी देवी देवताओं के हम आपको दर्शन कराएंगे। तो हम लोग चल रहे हैं, रास्ते में हैं, बस पहुंचने वाले हैं फ्रेंड। ये देखिए हम लोग आ गए हैं और यहाँ देखिए कितना बढ़िया सा गार्डन है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये माता जी का मंदिर है, ये इस मंदिर का नाम है चंडिका देवी मंदिर। ये देखिए, और ये बरगद का पेड़ है जो आप देख रहे होंगे, धागा लगा हुआ है जिसपे, तो ये बरगद का पेड़ है। और अभी हम आपको माता जी के भी दर्शन कराएंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ये देखिए हम सब लोग आए हुए हैं मंदिर पे। देखो इधर सब लोग हेलो करो पहले। देखिए यहाँ पर सभी शो प्लांट लगे हुए हैं, सब शो प्लांट है यहाँ पर। पीपल का पेड़ भी है, बरगद का पेड़ भी है यहाँ पर। घूमने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहे हैं। क्या करने? बता बता। काम से जा रहे हैं। चलो वहाँ बैठो तुम लोग। तो ये हम आ चुके हैं, माता जी के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर का समय है तो अभी बाहर कहीं पर प्रसाद हमें नहीं मिला है, कहीं पे प्रसाद नहीं लगा हुआ है। करीब 2:30 बज रहे हैं, तो यहाँ के जो पंडित जी हैं उन्होंने बोला है कि 4 बजे से यहाँ पर प्रसाद मिलता है, अभी यहाँ कोई प्रसाद नहीं मिला है। तो हम आए हुए हैं, हमें प्रसाद नहीं मिला है फ्रेंड, हमने सिर्फ माता जी के दर्शन किए हैं और सभी देवी देवताओं के दर्शन हमने किए हैं, माता जी के दर्शन कर लिए हैं। आप लोग भी माता जी के दर्शन करिए, अपना आशीर्वाद माता जी से आप सभी लोग लीजिए। देखिए नटराज जी की कितनी बढ़िया सी मूर्ति हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी है नटराज जी की, ये देखो अच्छी लग रही है। मैंने खाना खाई थी कि नहीं आज? सबुन खाना खाई थे? क्यों मम्मी बोली नहीं खाई थी? चलो ठीक, तुम भूख ही रहो। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी, क्योंकि दोपहर का समय है तो इसलिए
अभी यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है, यहाँ पे 4 बजे से प्रसाद चढ़ता है, मंदिर पूरा दिन खुला रहता है। तो जो लोग दर्शन करने वाले होते हैं वो अपना दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन जिनको प्रसाद चढ़ाना रहता है तो वो लोग अपना 4 बजे से आते हैं। मुझे ये बात पता नहीं थी कि यहाँ 4 बजे से प्रसाद चढ़ता है, तो मैं आ गई थी और मुझे प्रसाद नहीं मिला है। तो हम लोग ऐसे ही दर्शन कर रहे हैं, माता जी से प्रार्थना कर रहे हैं और बाहर का भी हम लोग पूरा नज़ारा देख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत कम लोग हैं यहाँ पर। अभी हम आपको सभी भगवान के दर्शन कराएंगे, तो आप लोग देखिए कितना बड़ा फील्ड है और कितना बड़ा बरगद का पेड़ लगा हुआ है। ये बरगद का पेड़ बहुत ही ज़्यादा पुराना है। ये बरगद पूजा पे यहाँ पर सभी महिलाएं पूजा करने आती हैं, तो देखिए कितना धागा यहाँ पर बंधा हुआ है और बहुत ही विशाल वृक्ष है ये बरगद का। यहाँ पर केले के पौधे हैं, पीपल का पौधा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे से प्लांट यहाँ पर लगे हुए हैं, पूरा गार्डन बना हुआ है और सभी भगवान भी यहाँ पर हैं। तो हम आपको ले चलते हैं, अभी हम सब दिखाएंगे आपको एक एक चीज़ का, अच्छे से दिखाएंगे यहाँ पर हर भगवान के दर्शन कराएंगे। देखिए ये साईं बाबा हैं, तो आप लोग साईं भगवान के भी दर्शन करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। ये देखिए गणेश भगवान हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं गणेश भगवान जी। तो यहाँ पर गणेश भगवान, साईं भगवान और हम आपको सभी भगवान के दर्शन कराएंगे। ये देखिए लक्ष्मी नारायण जी हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी। तो हम आपको सब के दर्शन कराएंगे, आप देखिए लक्ष्मी नारायण जी कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये इनके बगल में हैं कृष्ण राधा, बहुत सुंदर झांकी है कृष्ण राधा जी की। और ये यहाँ के पंडित जी हैं, और ये देखिए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की मूर्ति है, यहाँ पर शिवलिंग है। और ये राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्ति है। और ये हमारे हनुमान जी हैं, तो देखिए सभी लोग हनुमान जी के दर्शन करिए आप लोग। तो हमने सबके दर्शन कर लिए हैं, बस थोड़ा सा मन उदास हो गया है कि प्रसाद नहीं मिला। तो हम आओ, आ जाओ। नहीं, इसमें डाल।